नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यस बैंक और आइडिया की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक और आइडिया की जो दोस्तों प्राइस है वो लगभग लगभग सेम यहाँ पे हो चुकी है लगभग, क्योंकि यस बैंक अभी 12 रुपये और 55 पैसे की प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्लोजिंग दी है। और आइडिया की देखें तो लगभग लगभग 12 रुपये के आसपास उसकी भी क्लोजिंग आई है। तो दोस्तों इसमें सोचने वाली बात यह है कि यस बैंक और आइडिया में सबसे पहले दोस्तों 20 को कौन यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्लियर कर देगा क्यों वो स्टॉक्स इसमें दोनों में से कौन सा वह स्टॉक्स है जो सबसे पहले के टच करेगा और क्यों करेगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यस बैंक के टेक्निकल चार्ट को समझते हैं, उसके बाद में चलते हैं आईडिया के टेक्निकल चार्ट पे। यस बैंक दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे बार बार जो दोस्तों इसमें जो रुकआउट आ रही है वो आ रही है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 200 दिनों का मूविंग एवरेज की लाइन लगाई थी, फिलहाल वो डिलीट हो गई है। लेकिन बार बार जब यहाँ पे देखो ये जो सारी दोस्तों यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज का हाई है, उसके बाद फिर 200 दिनों का मूविंग एवरेज कहाँ पर टेस्ट करता है, फिर यहाँ पे करता है, फिर यहाँ पे करता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाई देता हूँ फटाफट 200 दिनों का मूविंग एवरेज, तो एक बार आपको लगा के दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वन मिनट तौर से बने रहिए दोस्तों। मूविंग एवरेज ये देखिए दोस्तों, जो क्लियर कट यहाँ पे जो दोस्तों लाइन आ रही है, ये आ रही है 200 दिनों की मूविंग एवरेज की। जब जब दोस्तों यस बैंक इसको टेस्ट करता है तो यस बैंक यहाँ से दोस्तों धड़ाम से गिरना स्टार्ट हो जाता है। चाहे ये लेवल कोई सा भी लेवल हो, चाहे यहाँ पे देख सकते 15 का लेवल था, उसके पहले देख सकते इसने 15 को यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ पे गिर गया। यानी कि शुरुआत से मैं बताता हूँ, जब यस बैंक 12 रुपये से गया है, यानी पीछे का मीटर आप 400 का मीटर भूल जाइए, फिलहाल यस बैंक यहाँ पे 12 से लेके और 20 रुपये के बीच में 52 का हाई और लो बना चुका है। तो सबसे पहले इसी रेंज को अपन प्ले करेंगे, इसी रेंज को समझेंगे। पिछले 400 के जो मैटर वो क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये 21 रुपये के लगभग यहाँ यसमिन गया, तो यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर से निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट करता है तो इसको नहीं निकाल पाता है। उसके बाद में यहाँ टेस्ट करता है, इसको नहीं निकाल पाता है, फिर यहाँ टेस्ट करता नहीं निकाल पाता है। फिलहाल अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे इसने टेस्ट किया था 15 रुपये को, लेकिन मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 15 रुपये के आसपास, तो इसको फिर से नहीं निकाल पाया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो यसमिन यहाँ इसके ऊपर ट्रेड करने में नाकामयाब रहा, तो वापस से 15 रुपये के नीचे फिसल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यसमिन और आइडिया के अंदर जो फास्ट मोमेंट जो होगी वो भी दोस्तों आइडिया के अंदर होगी, क्योंकि यस बैंक से पहले आइडिया, यस बैंक भी आपको 25 रुपये तक के आसपास 20 के आसपास आराम से आ जाता हो दिखाई देगा, लेकिन इस आइडिया सबसे पहले जा सकता है दोस्तों। जाने को यस बैंक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आइडिया क्यों जा सकता है, हालांकि यस बैंक भी जा सकता है, 15 के बाद भी यस बैंक में 20 के टारगेट आसानी से आ जाएंगे, 1-2 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। अगर 15 को ब्रेक करने के बाद की बात बता रहा हूँ, जब भी 15 को यस बैंक ब्रेक करेगा उसके 15 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 1 या 2 दिनों के अंदर ही आइडिया से पहले भी टारगेट ये देगा। लेकिन यहाँ फिलहाल प्रोजेक्ट की कंडीशन में कि यस बैंक से पहले आइडिया क्यों यहाँ पे दोस्तों जा सकता है, उसका दोस्तों इफेक्ट बताऊंगा कि यस बैंक में देख सकते हैं यहाँ पे बार बार, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ पे इसने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन वापस से गिरा, तो हो सकता है इस बार फिर से टेस्ट करे फिर गिर जाए। तो ये यस बैंक में ये कहानी चल रही है ऑलरेडी, लेकिन आइडिया की कहानी थोड़ी अलग है। और आइडिया दोस्तों, आइडिया शेयर क्यों भाग सकता है, क्योंकि आइडिया शेयर ऑप्शन का शेयर है, उसमें वॉल्यूम आता है 1-1 अरब, माइंड ब्लोइंग, 1-1 अरब का वॉल्यूम आता है, और यस बैंक में वॉल्यूम आता है 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़, इतना वॉल्यूम आता है। चलिए तो ये तो हो गया यस बैंक की कहानी। चलिए मैं दोस्तों लेके चलता हूँ आपको आइडिया के टेक्निकल चार्ट पे। तो आप यस बैंक में दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, 15 का अगर ब्रेकआउट यस बैंक में करता है तो इसमें आइडिया से पहले टारगेट आ सकते हैं 15 को ब्रेकआउट करने के बाद में, लेकिन फिर से 15 को टेस्ट किया वापस से गिर गया, इसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बार बार ये इसी रेंज देख सकते हैं, वापस इसको टेस्ट करता है गिरता है, इसको टेस्ट करता है गिरता है, इसको टेस्ट करता है गिरता है, यहाँ टेस्ट किया फिर गिरा, यहाँ टेस्ट किया फिर गया, हो सकता है फिर से टेस्ट करे फिर गिर जाए। तो ये दोस्तों ये कहानी चल रही, तो हो सकता है वापस से कहानी फिर से दोहराने लग जाए, लेकिन आइडिया की कहानी अलग है, वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, आइडिया का टेक्निकल चार्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे लगाया है, तो इसमें देख सकते हैं यस बैंक से कुछ अलग हटके मिलेगा। आइडिया का देख सकते जो शेयर 2 रुपये के बाद में नीचे गिरा था, उसके बाद में इसने देख सकते हैं 5 रुपये से इसने मूविंग एवरेज 5 रुपये आ गया था, वहाँ से इसने अपने आप को निकालने के पश्चात काफ़ी, यानी कि पूरे 1 साल मूविंग एवरेज, यानी कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड किया। उसके पश्चात यहाँ पे ये दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे देखें तो यानी कि आइडिया के अंदर यानी कि जो फॉल्ट आया था, यानी कि जो फॉल आया था वो 4.5 रुपये तक आया था, लेकिन जैसे यहाँ पे दोस्तों यानी कि कोर्ट का आदेश आया सरकार की तरफ से, यहाँ पे 4 साल का इनको जो पैसा जीआर का जो भुगतान था वो यहाँ पे चुकाने का समय दे दिया गया, तो आईडिया यहाँ पे कितनी रफ्तार से निकला देख सकते, 200 दिनों की मूविंग एवरेज पे अटका नहीं, फटाफट इसको पार करके अब इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा। तो आपको मैं जूम करके बताता हूँ, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर पहले भी साल और बताया था, अब इसके ऊपर निकल चुका, तो हो सकता है इसके ऊपर ये अब रुकने में कामयाब रहे, यानी कि अब इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा दोस्तों वो लगभग लगभग देख सकते 9 रुपये और 50 पैसे का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा, क्योंकि इसका
मूविंग एवरेज 9 रुपये और 50 पैसे 200 दिनों का मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है। तो इसको पार करके इसके तो ऊपर काफ़ी बैठा है, यानी कि देख सकते हैं लगभग लगभग 12 रुपये पर ये अब बैठा है। आज की कैंडल यहाँ पे शो नहीं हुई तो आपको मैं बता दूँ, आज की कैंडल यहाँ पे 12 रुपये के आसपास, 12 रुपये 10 पैसे का हाई है और 12 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। और अब यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा मोमेंट है आइडिया में आने वाला है, यानी 12 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करने के बाद में। अगर 12 रुपये 50 पैसे ब्रेक करता है तो यस बैंक में अभी ब्रेकआउट है, यस बैंक ब्रेकआउट बन रहा है 15 रुपये पे और आईडिया में ब्रेकआउट बन रहा है 12 रुपये 50 पैसे पे। जैसे 12 रुपये 50 पैसे ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, आईडिया के टारगेट फटाफट से आपको 15 रुपये दिखने वाले हैं। और दोस्तों इसका जो दोस्तों ये कहानी दोस्तों झील की तरह आपको दोहराता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि झील एक ही दिन में देख सकते हैं 186 रुपये से 262 रुपये चला गया था, 272 चला गया था, उसके बाद पश्चात फिर 240 से वो चला था और उसने एक ही दिन में 362 का भी हाई लगा दिया। यानी देख सकते दो ही दिन की कैंडल है जो झील 100 पॉइंट चला था, तो यानी कि लगभग लगभग 40% झील चला था। तो आइडिया की भी ऑप्शन का शेयर है दोस्तों, ये इसमें अपर सर्किट में फिर लाइनें जब लगती है तो स्टार्ट होती है, अपर सर्किट टूटती ही चली जाती है, यानी कि 12 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट होगा तो आइडिया फटाफट आपको 15 की टारगेट आपको आसानी से आता हुआ दिखाई देगा। जैसे 15 की जोन में आएगा दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन जो कॉल राइटर है यानी पुट राइटर है, तो नहीं वो मतलब एक जो दोस्तों जो प्रीमियम होगा उनका मतलब उसमें अंतराल होगा, फ्यूचर के भी जो लोट होंगे दोस्तों वो उसमें भी जो मतलब जो कहते हैं ना कि परसेंटेज जो होता है, एक तो जैसे कि 5-5 पैसे में 10-10 पैसे के अंदर मतलब काफ़ी क्वांटिटी लगा के बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा अभी आईडिया के अंदर आपने देखा होगा कि मतलब 5 पैसे के अंदर यहाँ पे 1 करोड़ लगे हुए हैं, उसके बाद में ऊपर देखें ऊपर वाले बिड में 5-5 पैसे के अंदर, यानी कि अगर मैं 12 रुपये 5 पैसे की बात करूँ तो 1 करोड़ रुपये सेलर बैठे हैं और 12 रुपये पे भी बायर 1 करोड़ बैठे हैं। उसके बाद जो 15 पे होगा दोस्तों फिर ये क्वांटिटी दोस्तों कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है फिर रेंज काफ़ी ऊपर है, क्योंकि इसका जो अपर सर्किट होगी वो 20 के आसपास होगी, लोअर सर्किट होगी फिर 12 के आसपास 13 यानी कि 11 के आसपास होगी, क्योंकि उस कंडीशन दोस्तों इसकी जो सर्किट होगी जो परसेंटेज होगा 10% या 15-20% की जो सर्किट होगी उसमें दोस्तों 15 रुपये के जाने के बाद में दोस्तों जो इसमें जो 5-10 पैसे में जो लोग करोड़ों में बैठते हैं वो फिर मात्र 15-15 लाख में बैठने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि 15-15 लाख आइडिया आराम से निकालता और ये ट्रेड आराम से निकाल लेगा। तो आइडिया ऑप्शन का शेयर है 15 के बाद में अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आइडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि आइडिया पहले 14 का हाई लगा चुका है और ये घूम फिर के वापस उसी रेंज को काटने की तैयारी कर रहा है, यानी कि 12.50 को काटने के बाद पश्चात आइडिया आएगा 15 के आसपास, ठीक है। और 15 पे आसपास आके एक बार थोड़ा ये रुकता हुआ आपको दिखाई देगा, अगर रुक के 2-3 दिन रुक के उसके बाद में दोस्तों फिर ये ब्रेक करता तो आपको आसानी से 20 रुपये का टारगेट आइडिया आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता, जो कि यस बैंक के पहले दिखा सकता है। लेकिन यस बैंक इससे पहले कब दिखाएगा, जब यस बैंक यानी कि आइडिया 15 पे पहुंचे और यस बैंक 15 यानी कि आइडिया 15 के पहुंचते यस बैंक भी 15 रुपये को ब्रेक कर ले, तो यस बैंक की पहली चांसेस है कि यस बैंक आपको 20 का टारगेट, यस बैंक पहले दिखा दे 20 का टारगेट। लेकिन यस बैंक भी दोस्तों यहां पे 12 से लेकर और 15 के बीच में फंसा हुआ है और आइडिया जाके दोस्तों 15 रुपये को यहां पे ब्रेक कर लेता है, यानी कि जो भी 15 को पहले ब्रेक करेगा उसी के टारगेट दोस्तों यहां पे आने वाले हैं 20 रुपये के, क्योंकि आइडिया के टारगेट फास्ट इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आइडिया आपको 15 के बाद में या मैं कहूँ 12:30 के बाद में जब भी क्लोजिंग इसकी आएगी 12:30 में 14-15 जो भी आएगी तो एक दिन के अंदर भी आपको 20 के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 1-2 अपर सर्किट लगाई उसके बाद अपर सर्किट इसमें टूटने के चांसेज हैं, लेकिन यस बैंक में अपर सर्किट टूटने के चांसेज नहीं है, 100% ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के शेयर में ही अपर सर्किट टूटती है और जो ऑप्शन का शेयर नहीं होता उसमें अपर सर्किट दोस्तों टूटती नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आइडिया इस समय बेहतरीन टेक्निकल चार्ट पे है और यस बैंक अभी टेक्निकल चार्ट में वीकनेस नजर आ रही है, क्योंकि उसमें 15 रुपये का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और आइडिया में भी रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 12:30 का जो 15 को लेकर जाएगा, 15 दोस्तों ऑप्शन का शेयर आसानी से निकाल सकता है, यहाँ पे दोस्तों 20 के टारगेट आसानी से दे सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे आइडिया से दोस्तों मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि 20 रुपये दोस्तों यस बैंक से पहले आइडिया आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, या मैं कहूँ कि सिर्फ 10% के चांसेज है कि यस बैंक अगर ये 15 को निकाल लेते तो आइडिया से पहले यस बैंक आपको 20 का टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है यस बैंक और वर्सेस दोस्तों आइडिया का वीडियो बनाया है कि इसमें दोस्तों किसके पहले टारगेट आएंगे, तो मुझे यहाँ पे दोस्तों जो संभावना लग रही है 90% लग रही है आइडिया के टारगेट 90% पहले आएंगे 20 रुपये के और 10% चांस लग रहे हैं कि यस बैंक के टारगेट भी इसके पहले आ सकते हैं। भाई दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर कीजिएगा, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब दो भी कर डाले और दोस्तों मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से इंट्राडे की बेहतरीन कॉल दोस्तों आप पाना चाहते हैं, जैसे कि आज भी यहाँ पे 2 कॉल 4 कॉल दी थी, इसमें से दो कॉल जबरदस्त मुनाफा आया, 1 कॉल बराबर पे कटी है और 1 कॉल दोस्तों आपकी रिजेक्ट हो गई है। दोस्तों मेरे व्हाट्सअप ग्रुप आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे और दोस्तों आप छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो कर दोस्तों आपको मैं ऐड करूँगा। बाय बाय दोस्तों, जय जय भारत।